मार्च को बजट सत्र में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत से कोंढाली के ग्रामीण अस्पताल को संशोधित प्रशासनिक मंजूरी देने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर अनिल देशमुख ने फिर से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया। सदन में आश्वासन देने के बाद 5 माह में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अनिल देशमुख ने यह सवाल स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत से पूछा। कोंडाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा शहर है और अनिल देशमुख ने 2008 में एक ग्रामीण अस्पताल को मंजूरी दी, लेकिन बाद में काम बढ़ने और अन्य कठिनाइयों के कारण काम पूरा नहीं हो सका। लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा अन्य कार्य धन के अभाव में नहीं हो पाए। इसके चलते करीब 11 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमोदन का प्रस्ताव तैयार किया गया। निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग का संयुक्त प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिलने के कारण, भवन अधूरा होने के कारण ग्रामीण अस्पताल के निर्माण में देरी हो रही है। बजट सत्र में जब अनिल देशमुख ने इस संबंध में सवाल पूछा तो स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि वह 8 दिन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन 5 महीने बाद भी कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार यह मुद्दा मानसून सत्र में उठाया गया। 5 माह में सदन में आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो क्या करे, ऐसा सवाल अनिल देशमुख ने पेश किया। इसका जवाब देते हुए सावंत ने जल्द ही इस पर कार्रवाई करने का वादा किया। मागच्या अधिवेशनामध्ये 3 मार्चला अध्यक्ष महोदय, नाही नाही मला कळलं नाही, थोडं प्लीज मला थोडं सांगतो ना। अध्यक्ष महोदय, माझ्या मतदारसंघामध्ये नागपूर जिल्ह्यामध्ये कोंढाळी गावामध्ये ग्रामीण रुग्णालय आहे, त्याची गेल्या 4 वर्षापासून 5.5 कोटी काम झालेलं आहे, अर्धवट इमारत पडलेली आहे। हा प्रश्न मी मागच्या अधिवेशनामध्ये उपस्थित केला होता, त्यावेळेस 3 मार्चला आपण उत्तर दिलं होतं। अध्यक्ष महोदय, आपण अध्यक्ष महोदय आपण ऐका, 3 मार्चला माननीय आरोग्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं होतं की कोंढाळीचं ग्रामीण रुग्णालयासाठी जे अर्धवट काम झालेलं आहे त्याच्या पूर्ण काम करण्यासाठी आम्ही 8 दिवसांमध्ये निधी उपलब्ध करून देऊ, 5 महिने झाले असं आश्वासन देऊ नका, आश्वासन दिल्यावर पूर्ण करा एवढीच आमची विनंती आहे। 3 मार्च मग तारीख सांगतो, लिहून घ्या तुम्ही। 3 मार्चला याच अधिवेशनामध्ये तुम्ही मागच्या अधिवेशनामध्ये आश्वासन दिलं होतं, आश्वासन दिलं ते तरी 5 महिन्यानंतर तरी पूर्ण करा एवढी तुम्हाला विनंती आहे।